किताब अगर ये कहती हो कि तुम्हारा ये नैतिक दायित्व है कि तुम दूसरे की बेटियों को बर्बाद करो, उनके बेटों का कत्ल करो, उनके घर की संपत्ति को लूटो, तो हमें ऐसी किताब को समाज से हटाना पड़ेगा। और दुर्भाग्य से ये काम कुरान करती है। भाई साहब, जो भी चीज आप कुरान में पढ़े उस चीज को आप मानते हैं कि हक है? यस सर, ऑब्वियसली सर, मैंने पढ़ा हूँ, लेकिन पूरा नहीं, 3 हदीस तक मैंने पढ़ा हूँ। 3 जुज, 3 बारे। लास्ट अलबकरा जो है सर, द काओ बोल के, वो मैंने लास्ट पूरा पढ़े। हाँ सर, माशाल्लाह। भाई साहब कहते हैं कि सूरह बकरा पढ़े, जो माशाल्लाह 2 जुज से ज्यादा है। सूरह बकरा अकेला सबसे बड़ा है, सबसे बड़ा सूरह है। यस सर, माशाल्लाह 286 उसमें आयते हैं और 2 से ज्यादा पारे हैं उसमें, अल्हम्दुलिल्लाह। तो तकरीबन आपने 1/15 कुरान यानी 7% कुरान तकरीबन आप पढ़ चुके। हाँ सर, मेरी दरख्वास्त है कि ये जो पूरे बकरा आपने पढ़े, पढ़ने के दौरान आपको उसके अंदर कुछ सही लगा, गलत लगा या कैसा लगा? नहीं सर, जो समझ में आया सब वो तो सभी सही लगा। तो आपको पूरे बकरा में क्या बात समझ में नहीं आई? मतलब मेरे को लगता है सर कि मैंने जो पढ़ा बस पढ़ाई, कुछ याद मतलब कुछ मेरे को समझ में आया, मतलब 1% मेरे को समझ में आया, लेकिन मैंने पढ़ा पूरा, कोई मेरे को हेल्प भी किया, बहुत अच्छा तरह से हेल्प किया, लेकिन सर मेरे को लग रहा है कि मेरे को और जानना चाहिए, मतलब आई कैन गो थ्रू द कुरान विदाउट वॉचिंग दैट कुरान। भाई साहब कह रहे कि वो चाहते और करीब आए, उन्हें पढ़ा लेकिन 1% उनके नज़दीक वो समझे और याद रखे। भाई साहब, कुरान मजीद को पूरा समझना तो कोई भी इंसान नहीं कर सकता, पूरे तदब्बुर कुरान। जिस तरीके से कल मैंने कहा कि एक होता तज़क्कुर कुरान, एक होता तदब्बुर कुरान, आपने जब सूरह बकरा किया तो 100% सूरह बकरा को तज़क्कुर कुरान किया। तज़क्कुर कुरान मतलब उसका तर्जुमा आपने पढ़ा, लेकिन तदब्बुर करना मुश्किल है। जितनी बार ज़्यादा तदब्बुर करेंगे उतने बार आपको और अच्छा लगेगा। हाँ, लेकिन तज़क्कुर कुरान तकरीबन 7% आपने पूरा किया, 7% कुरान का आपने पूरा किया। और जैसे पढ़ते रहेंगे, जैसे मानी जानते रहेंगे, उसके ऊपर तदब्बुर करेंगे, उसके ऊपर सोचेंगे तो आपको और अच्छा लगेगा। मैं भी नहीं कह सकता हूँ, और आप जानते कि एक साहबा थे इब्ने उमर रज़ियल्लाहु अन्हु, हज़रत उमर के बेटे जो दूसरे खलीफा थे रज़ियल्लाहु अन्हु, उन्होंने सूरह बकरा के लिए सिर्फ 8 साल लिए, 8 साल सिर्फ, 8 साल तक समझने में, क्योंकि जितना पढ़ते थे उतना और उनके जहन खुलता था। तो आप तो सिर्फ 6 महीने से शुरू किए। हाँ सर, 8 साल लिए तो ये कहना, लेकिन कुरान मजीद का 0.1% भी आपके जहन में क्या काफ़ी है? 100% जाना ज़रूरी नहीं है, 0.1% भी सूरह बकरा का जहन में गया, अल्हम्दुलिल्लाह ज़िंदगी बदल जाएंगी आपकी। मेरी दरख्वास्त है कि पढ़ने के बाद जो अहम मैसेज है जो कुरान का, आप मानते हैं कि खुदा एक है? यस सर। आप मानते खुदा एक है? आप मानते कि खुदा का कोई अक्स नहीं है? नहीं सर। आप मानते खुदा का अक्स नहीं? आप मानते कि बुत परस्ती गलत है? हाँ सर। आप मानते गुत परस्ती सही है क्या गलत है? गुत परस्ती गलत है, गलत है। मूर्ति पूजा गलत है या सही है? मूर्ति पूजा गलत है या सही है? एक्चुअली सर, द क्रिएटर इज ओनली वन, सो व्हाई, एक्चुअली आई एम हैविंग अ क्वेश्चन सर, दैट इन हिंदुइज्म देयर इज 33 करोड़ ऑफ मतलब आइडल्स, दे आर गोइंग टू वर्शिप देम, बट आई जस्ट आस्क मेनी ऑफ द हिंदू ब्रदर्स दैट कैन यू नेम 33 ऑफ द गॉड टू हुम यू आर वर्शिपिंग सर, दे कांट टेल द नेम ऑल्सो। भाई साहब ने कहा कि हिंदुइज्म में 33 करोड़ गॉड है, लेकिन 33 नाम भी नहीं बोल सकते। नाम तो 33 से ज्यादा है, 33 से ज्यादा नाम तो मैं आपको बोल सकता हूँ हिंदुइज्म के गॉड के बारे में जो लोग कहते हैं। लेकिन जिस तरीके से कुरान में लिखा है, सूरह इसरा में सूरह नंबर 17 आयत नंबर 110 में, कुल इदुल्लाह अबिदुर रहमान अय्यामा तदु फलाल अस्माउल हुस्ना, आप अल्लाह को रहमान से बुलाओ या अल्लाह से बुलाओ, अल्लाह सुबहान व तआला के सबसे बेहतरीन नाम है। लेकिन नाम सही होना चाहिए, इट शुड नॉट कंजर अप अ मेंटल पिक्चर, गलत सोच आपके दिमाग में पैदा नहीं होना चाहिए। और जो नाम भगवान अल्लाह ने खुद अपने आप को दिए वो नाम से पुकारना चाहिए। तो अल्लाह को दूसरे नाम से पुकारने में कोई हर्ज नहीं है, लेकिन सही नाम होना चाहिए, ऐसा नाम नहीं जिससे अल्लाह की बेहरमती हो। यस सर, इट शुड बी अ करेक्ट नेम। तो उस तरीके से कुरान मजीद में मिनिमम 99 सिफात है अल्लाह सुबहाना व ताला के,
तो उसी तरीके से वेद जब आप पढ़ेंगे, वेद के अंदर भी सिफात है, इसमें मुझे कोई एतराज नहीं, लेकिन ये बोलना कि ये भगवान है वो गलत है। जैसा मैंने कल आपने तकरीर सुनी मेरी, कल सवाल जवाब में थे आप? नहीं सर। आप वेद जब पढ़ते हैं, वेद में लिखा है यजुर्वेद चैप्टर नंबर 32 श्लोक नंबर 3 में, न तस्य प्रतिमा अस्ति, उस ईश्वर उस भगवान उस खुदा की कोई प्रतिमा नहीं। प्रतिमा एक संस्कृत लफ्ज है जिसके मानी है अक्स, पिक्चर, फोटोग्राफ, पेंटिंग, आइडल, स्कल्पचर, स्टैच्यू। तो लिखा है यजुर्वेद में, न तस्य प्रतिमा अस्ति, उस ईश्वर उस भगवान उस खुदा का कोई अक्स नहीं, कोई पिक्चर नहीं, कोई पेंटिंग नहीं, कोई फोटोग्राफ नहीं, कोई आइडल नहीं, कोई स्टैच्यू नहीं, कोई स्कल्पचर नहीं। तो ये आप इस बात को मानते क्या नहीं पूछता हूं मैं? यस सर। आप मानते कि भगवान का कोई स्ट्रक्चर, कोई स्टैच्यू नहीं? Yes, तो आप मानते हैं कि मूर्ति पूजा गलत है क्या सही है? Obviously, according to that, sir, it is wrong. गलत है, बेशक। आप कुरान मजीद पढ़ने के बाद, जब पढ़े आपने 6 महीने से, उसके बाद आप ये यकीन करते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैगंबर है? यस सर, प्रॉफिट। आप मानते? यस सर। आप मानते मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुदा के पैगंबर है? यस सर। तो आप मानते खुदा एक है, आप मानते मूर्ति पूजा गलत है, और आप मानते मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर है? यस सर। आप मानते? तो ये जो शर्त है, ये दो शर्त के मानना अल्लाह एक है, अल्लाह के अलावा कोई मामूद नहीं, और ये मानना कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके आखिरी पैगंबर है, ये बुनियादी बात है इस्लाम में। इस्लाम में दाखिल होने के लिए बुनियादी बात है। अगर आप इसको मान ले तो आप इस्लाम में दाखिल हो सकते, बाद में नमाज, ज़कात, फिर जो चैरिटी देना, रोज़ा, वो सब बाद में, लेकिन अगर ये दो चीज़ को आप मानते तो आप इस्लाम में दाखिल हो सकते। जैसे स्कूल में आप दाखिला लेते, हाँ सर, बेसिक बेसिक, हाँ बेसिक पढ़ते, बाद में फिर आप फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ आगे बढ़ते। तो इस्लाम में दाखिल होने के लिए ये शर्त है कि आप मानो कि खुदा एक है और उस खुदा के अलावा कोई मामूद नहीं है, और आप ये मानो कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर है। तो ये अगर आप दो चीज मानते हैं तो आप इस्लाम में दाखिल हो सकते। यस सर। तो आप चाहते हैं इस्लाम में दाखिल होना? यस सर, ऑलरेडी हो चुका हूँ सर। हो चुके हैं, माशाल्लाह। चाहते क्या कलमा पढ़े सर? आप चाहते क्या कलमा पढ़े सर? यस। आप चाहते कलमा पढ़े? क्योंकि जो मैंने कहा उर्दू में कहा, अगर अरबी में कहेंगे तो इसे कलमा कहता हूँ, तर्जुमा भी करूंगा सर। प्रोनाउंसिएशन में थोड़ा प्रॉब्लम चलेगा। प्रोनाउंसिएशन तर्जुमा मीन समझ गया काफी है, प्रोनाउंसिएशन गड़बड़ हो गई तो अल्लाह माफ करेगा, तर्जुमे में गड़बड़ नहीं होना चाहिए। मेन दिल में ईमान है, प्रोनाउंसिएशन जरूरी नहीं है। यस सर। मेन चीज है, बाद में इंशाल्लाह प्रोनाउंसिएशन आ जाएगा। लेकिन आपको मुसलमान बनने के लिए कोई भी जबरदस्ती कर रहा है कि आप दिल से बनना चाहते? नहीं सर, ऐसा तो बात नहीं है। एक्चुअली आई जस्ट वॉन्ट टू नो कुरान टोटली, मतलब आई सर ऐसे ना पूरा हदीस मैं कंप्लीट कर लूं। पूरी हदीस तो मैंने भी कंप्लीट नहीं किया, हदीस बहुत है, लेकिन मैं पूछना चाहता हूं कि आपको कोई भी जबरदस्ती कर रहा है इस्लाम कबूल करने के लिए? नो सर। आप अपने दिल से करना चाहते? यस सर। आप पे कोई भी दबाव नहीं? ऐसा कोई भी प्रेशर नहीं सर? ऐसा कोई भी रिश्वत नहीं दे रहा है ना? नो नो सर, ऐसा कुछ। तो आप दिल से कबूल करना चाहते तो इंशाल्लाह मैं अरबी में कहूंगा, आप उसे दोहराइए। अशहदु अशहदु अल्लाह अल्लाह इलाहा इलाहा इल्लल्लाह इल्लल्लाह व अशहदु व अशहदु अन्ना अन्ना मुहम्मदन मुहम्मदन अब्दुहु अब्दुहु व रसूलुहु व रसूलुहु। मैं शहादत देता हूँ, मैं शहादत देता हूँ के अल्लाह अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं, कोई माबूद नहीं, और मोहम्मद मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके पैगंबर पैगंबर और बंदे हैं और बंदे हैं। माशाल्लाह आप मुसलमान बन चुके, और मैं अल्लाह सुब्हान व तआला से दुआ करूंगा कि इंशाल्लाह आपको सबसे बेहतरीन जिंदगी दी इस दुनिया में और आखिरत में।